नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे कि एडसेंस अकाउंट का $10 का क्या फंडा है। जी हाँ दोस्तों, कब हमारे $10 कंप्लीट होते हैं और क्या इसका टाइम पीरियड है, ये $10 कंप्लीट होने के बाद में हमारे पास किस प्रकार से हमारा गूगल एडसेंस पिन हमारे रिसीव होता है, जिसको हम हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन पिन भी बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे कब रिसीव होता है और कैसे रिसीव होता है और कब हमारे $10 कंप्लीट हो जाते हैं, कैसे हम चेक करें, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा विदाउट स्किप के, क्योंकि आपने कोई भी स्टेप स्किप कर दी और वो आपसे मिस हो गई तो हो सकता है आप उस जानकारी से अनजान रह जाएं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एडसेंस अकाउंट का $10 का क्या फंडा है। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके समक्ष और भी बेहतर इन्फॉर्मेशन आपके सामने पेश कर पाऊंगा। तो एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों काफी मैसेज मेरे पास मेरे व्यूअर्स के आए थे, सब्सक्राइबर्स के आए थे कि हमारे अकाउंट में $10 से ज्यादा कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन हमारे पास एडसेंस पिन रिसीव नहीं हुआ। ये सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास हमारा एडसेंस पिन नंबर $10 जब हमारे एडसेंस अकाउंट में आ जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में गूगल हमारे को हमारे एड्रेस के ऊपर हमारा एडसेंस पिन नंबर भेजता है, जो कि हमें ऑनलाइन वेरीफाई करवाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये $10 कब होते हैं, कैसे होते हैं, ये जानकारी आज हम आपको बताएंगे। देखिए काफी लोगों के मन में ये चीजें बहुत से सवाल उठते रहते हैं कि हमारे $17 हो गए सर, हमारे $120 हो गए, हमारे $23 हो गए, लेकिन अभी तक हमारे एडसेंस पिन हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो देखिए उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज कीजिए आपका 1 जनवरी 2019 को आपका चैनल मोनिटाइजेशन अनेबल हुआ है, तो उसके बाद आपका जब तक $10 कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, सपोज कीजिए आपको 31 जनवरी तक आपके $9 या $8 कंप्लीट हुए हैं, तो और जैसे फरवरी आ गया, 3 फरवरी तक आपके $11 हो गए, $12 हो गए, तो आपका एडसेंस अकाउंट पिन आपका जनवरी में ना आकर आपका मार्च में आपको रिसीव होगा। उसका रीजन ये है कि दोस्तों जब भी हमारा अपडेशन होता है इसका एडसेंस का, जो भी हमारा पेमेंट्स का अपडेशन होता है वो 10 से लेकर 12 डेज के बीच में होता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमारा एडसेंस पिन का हमारे पेमेंट का अपडेशन होता है वो 10 टू 12 डेट्स को होता है एवरी मंथ। जी हाँ दोस्तों, हमारे हर महीने की 10 से 12 तारीख को जो भी हमारे एडसेंस पिन अकाउंट में पैसा इकट्ठा होता है वो 10 से 12 तारीख को हमारा अपडेट होता है और वो हमारी मंथ एंड डेट तक का होता है। यानी कि जैसे कि हमारे जनवरी का महीना है तो हमारे 31 जनवरी तक हमने जितना भी पेमेंट गेन किया है, जितने भी डॉलर गेन किए हैं, वो ही हमारा 12 तारीख को अपडेट होगा। चाहे आपने $8 गेन किए होंगे तो 12 तारीख को आपके एडसेंस अकाउंट में $8 ही अपडेट होंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आपके 31 जनवरी तक आपके $8 कंप्लीट हो गए तो आपको 12 फरवरी को आपके एडसेंस अकाउंट में $8 ही शो करेगा। और आपका जब एडसेंस अकाउंट में $10 शो करने लगेगा उसके बाद में गूगल एक आपके वेरिफिकेशन पिन आपको ऑटो जनरेटेड भेज देता है, जो कि आपके एड्रेस पे होता है। आपने जो एड्रेस अपना वेरीफाई किया था एडसेंस अकाउंट बनाते समय, तो उस एड्रेस पे वो ऑटोमेटिकली वो एवरी मंथ की 10 से 12 तारीख को वो वहां से डिस्पैच कर देता है और वो विद इन वीक या 10 डेज के अंदर आपके एड्रेस पे पहुंच जाता है स्पीड पोस्ट के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना कि आपका जो एडसेंस अकाउंट में जो पेमेंट इकट्ठा हुआ है वो आपको चेक करना आपके मंथ एंड तक, यानी कि आपकी मंथ की एंड डेट तक आपका कितना अकाउंट में पैसा इकट्ठा हुआ है वो ही आपके अपडेट होगा 12 या 10 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, जो अगले महीने के 10 या 12 तारीख को जो पेमेंट अपडेट होगा वो आपका 31 तारीख या 30 तारीख तक का पेमेंट आपको शो करेगा। अगर आपका उस तारीख तक आपका अकाउंट में $10 या उससे अधिक हो गए हैं तो आपके पास आपका एडसेंस पिन अकाउंट नंबर आपके घर पर भेज देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखोगे तो आपके सारे कंफ्यूजन आपके
दूर हो जाएंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंटीमेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।